आज किस जो हम आपको सॉन्ग पर वीडियो क्रिएट करने वाले हैं ना, ये सॉन्ग आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा क्योंकि ऐसी जो सॉन्ग इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। तो मैं गाइस आ चुका हूँ लेकर के डुअल सॉन्ग को मिला करके, इसमें बहुत ही कमाल के वोकल्स भी ऐड किया हूँ जो गाइस बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल तक जाता है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो के लिए आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके उस बेल को ऑल पे जरूर से कर लीजिएगा क्योंकि गाइस आपका भाई इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए सिखाता रहता है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइप को वेस्ट किया हम लोग सबसे पहले प्रीव्यू देखेंगे और दोस्तों को भी शेयर जरूर से कर दीजिएगा ताकि वो भी अपना फोटो या फिर किसी का फोटो लगा कर किस प्रकार वीडियो क्रिएट कर पाए। तो चलिए सबसे पहले प्रीव्यू देख लेते हैं, लेट्स गो। दोस्तों कैसा लगा आपको आज का स्टेटस हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइस आज की इस वीडियो में जो आपने प्रीव्यू देखा है गाइस बहुत ही कमाल के एनिमेशन के साथ आज की इस वीडियो को क्रिएट किया गया है। तो दोस्तों अगर आप भी अपना फोटो या फिर किसी का फोटो लगाकर किसी प्रकार का वीडियो क्रिएट करना चाहते हो तो बने वीडियो में एंड तक। सो गाइस सबसे पहले आपको अलर्ट मोशन को ओपन कर लेना है एंड गाइस डिस्क्रिप्शन में आपको सारे मटेरियल देखने को मिल जाएगा, जैसे 100 बिट मार्क पीडीएफ एक्सएमएल फाइल सभी का आपको डाउनलोड करके सीधे इसमें इंपोर्ट कर लेना है। सो गाइस इंपोर्ट करने के बाद आपके सामने प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ प्रकार का देखने को मिल जाएगा, सर्टिफाइड और 100 बिट मार्क। सबसे पहले गाइस 100 बिट मार्क ओपन कर लेना है एंड गाइस यहां पर जितने भी स्टेप बताए जाएंगे सभी स्टेप को एक स्टेप का आपको फॉलो करना है, ठीक है। सो गाइस यहां पर आपको जो एनिमेशन दिखाई दे रहा है यहां पर गाइस आपको इस प्रकार का जो इसका बैकग्राउंड रिमूव है कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है एंड गाइस नीचे आएंगे तो यहां पर लिखा हुआ है एड ओवरले वीडियो क्लिप। सो गाइस ये आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा तो आपको सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेना होगा। सो गाइस सबसे पहले आपको प्लस पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है, यहाँ पर नाम पर क्लिक करें तो आप गैलरी का सारा फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो आप जहाँ भी रखे रहेंगे उसको ओपन कर लीजिएगा, आपके सीधे डाउनलोड फोल्डर में आएगा, ठीक है। सो गाइस मैं यहाँ पर हम रखा हूँ तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और गाइस यहाँ पर सिंपल इस पर क्लिक कर देना और मूवमेंट ऑप्शन पर जाना और यहाँ पर इसको क्लिक करके इसको इस प्रकार से 90 डिग्री पर घुमा देना है, ठीक है। अन गाइस इसको इसको इस प्रकार से इसको फुल स्क्रीन कर लेना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। एंड गाइस आपका जो ये बीट है ना आपका ये लेटेस्ट बीट सिंपली यहाँ तक आपको इस प्रकार से इसको कट कर देना होगा। सो गाइस स्क्रॉल करके आपको नीचे लाना है, इसको सबसे नीचे लाना है, ठीक है। सो गाइस स्क्रॉल करके इसको इस प्रकार से नीचे लाना है जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। ये गाइस कुछ इस प्रकार से ओवरले वीडियो क्लिप ऐड हो चुका है एंड गाइस यहाँ पर आपका जो ये रिमूव है आपका यहाँ पर लिखा हुआ है बैकग्राउंड रिमूव है दोस्तों। यहाँ पर आपका जो फोटो का साइज होना चाहिए वो गाइस आपका स्टोरी साइज होना चाहिए, इस पर क्लिक करना है, प्लस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको देखने 9:16 का इस पर क्लिक कर दीजिएगा, किट पर क्लिक कर देना है। मीडिया पर जाने के बाद यहाँ पर आपको इस प्रकार से फोटो कोई भी आप चूज कर सकते हैं। तो सो गाइस यहाँ पर आपको फोटो देखने को मिल जाएगा। सो गाइस इस प्रकार से आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करके इसको इस प्रकार से सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको इसको इमेज में कन्वर्ट करके करंट फ्रेम यहाँ पर PNG लिखा हुआ है ना इस पर करके आपको इसको कम से कम 4 से 5 फोटो इस प्रकार से कर लेना होगा, ठीक है। एंड गाइस फोटो को आप करने के बाद सिंपली आपका जो गूगल है इसको ओपन कर देना और यहाँ पर आपको इस फोटो को अपलोड करके इसका जो बैकग्राउंड इसे इरेज कर लेना है। सो गाइस यहाँ पर हमने पहले से इरेज करके रखा है तो हम यहाँ पर प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेंगे, इसको ओपन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका जो ये एनिमेशन दिखाई दे रहा है सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से क्लिक करेंगे, कलर पे स्टाइल आइकन पे क्लिक कर देंगे एंड गाइस मैंने फोटो रोम से इसको बैकग्राउंड का रिमूव किया था तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, ओके। सो गाइस ये कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके फोटो को ऐड कर देंगे, ठीक है। ये गाइस कुछ इस प्रकार के एनिमेशन साथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, फिर गाइस आपको आगे जाना होगा, ठीक है। आगे जाने के बाद ये कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर फोटो कोई भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा सिंपली आपको ब्लू कलर पर नीचे क्लिक करना है, कलर पे क्लिक करना है, आइकन पे क्लिक कर देना और यहाँ पर क्लिक कर देना और गाइस यहाँ पर आपको इसको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आपको जो फोटो आप करके रखेंगे उसको आपको ओपन कर लेना होगा। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और प्लस पर क्लिक करके इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। सो गाइस फिर उसी फोटो को आपको इस पर जूम करना है तो सिंपली इस पर क्लिक करना है एंड गाइस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जो फोटो आप यहाँ पर काउंट करके रखे रहेंगे उसी फोटो को यहाँ पर हम ऊपर में लगा लेंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। फिर गाइस आपको नेक्स्ट आगे जाना है और यहाँ पर क्लिक करना है, कलर पे क्लिक करना है, आप सेकंड कोई फोटो लगाना चाहिए आप लगा सकते हैं। तो हम इस पर इसको क्लिक कर लेते हैं, प्लस पे क्लिक करके इसको लगा देते हैं, फिर सेकंड फोटो हमारा वही फोटो लगेगा जो हमने अभी पहले लगाया था तो हम इसको लगा लेते हैं इस प्रकार से, फर्स्ट सेकंड इस प्रकार से हो जाएगा। फिर गाइस आपको आगे जाना है कुछ इस प्रकार दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको सेम टू सेम वही करना है तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर लेते हैं 9:16 के रेजन साथ और यहाँ पर इस पर क्लिक करके सिंपली हम उसी फोटो को यहाँ पर ऐड करेंगे जो भी हमने ऐड किया। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार से हमारा एनिमेशन क्रिएट हो गया जो कि बहुत ही कमाल के लग रहा है। इनके साथ आपको आगे जाएंगे तो यहाँ पर जूम करेंगे ना तो यहाँ पर आपको एक
बी डबल बीट दिखा हुआ दिखाई दे रहा है। सिंपली यहाँ से हमारा इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। उसमें पहले प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पर जाए, यहाँ पर नाम पर क्लिक कर गिरी का सर फोल्डर ओपन हो जाएगा। तब यहाँ पर फोटो को अटैच कर लेते हैं, थर्ड पर क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। गाइस नेक्स्ट बीट को बच्चों भाग इस प्रकार से हम टिक कर देते हैं। सो गाइस यहाँ हमारा डबल बीट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से लेकर के लास्ट टाइप का जहाँ तक डबल बीट आ रहा है उसमें यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। सो गाइस आपको यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो इसके पहले जो आपको मिशन दिखाई दे रहा है, पहले यहाँ तक आपको फोटो को अटैच कर लेना होगा। तो यहाँ पर मैंने फोटो को अटैच कर लिया, थर्ड पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर देना है। नेक्स्ट बिट को बच्चे किस प्रकार से कट कर देना है। सो गाइस पर इफेक्ट कौन से लगाना है, तो बैक करके सेकंड इफेक्ट में आ जाना है। और यहाँ पर आपको जो पहला इफेक्ट दिखाई दे रहा है सिंपली इस पर क्लिक करना है, कॉपी इफेक्ट इस प्रकार से कर लेना होगा। सो गाइस आपको जो बीट मार्क इसको ओपन कर देना है। सो गाइस ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको जो एनिमेशन दिखाई दे रहा है सिंपली फोटो के साथ इस पर क्लिक करना है, इस इफेक्ट को यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है इस एनिमेशन के बाद, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर इस प्रकार का एनिमेशन दिखाई दे रहा है, सिंपली स्क्रॉल करके आपको बीच में जितने बीट दिखाई दे रहा है बीट पर सभी जगह पर इस प्रकार से इफेक्ट को ऐड करना है। सो गाइस स्क्रॉल करके आपको आगे जाना है और यहाँ पर आपको जो एनिमेशन दिखाई दे रहा है सिंपली यहाँ तक इसको ऐड कर देना है। सो गाइस यहाँ पर आपका जो एनिमेशन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको जो उसका बैकग्राउंड है वहाँ पर रिमूव होना चाहिए और यहाँ पर लिखा हुआ है एड ओवरले वीडियो क्लिप। तो सिंपली कैसे आपको डाउनलोड पे जाना है, आपने अगर डाउनलोड किया होगा तो आपके डाउनलोड फोल्डर में जाएगा, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर वीडियो क्लिप को ऐड कर लेते हैं और गाइस इस पर क्लिक कर देना और यहाँ पर आपको इसको एनिमेशन पर क्लिक करना है, इसको इस प्रकार से घुमा देना है 90 डिग्री पर कुछ इस प्रकार से, ठीक है। गाइस इस प्रकार से हो जाएगा और इसको इस प्रकार से फुल स्क्रीन कर देना है कुछ इस प्रकार से। और गाइस नेक्स्ट आपका जो बीट है कुछ इस प्रकार से आपका जो बीट है आपको यहाँ पर इसको कट कर देना होगा, ठीक है। यहाँ पर इसको इस प्रकार से कट कर देते हैं एंड स्क्रॉल करके आपको सबसे पहले नीचे लाना है जहाँ पर ये ऐड ओवरले वीडियो क्लिप लिखा हुआ है, ठीक है। सो गाइस स्क्रॉल करके आपको उसी जगह पर इसको लाना है कुछ इस प्रकार से। गाइस कुछ इस प्रकार से हो जाएगा और गाइस यहाँ पर आपको फोटो कौन सा लगेगा सिंपल इस पर क्लिक करना है, कलर पर भी क्लिक करना है। अपने जो बैकग्राउंड रिमूव करके रखा होगा आप उसी फोटो को यहाँ पर आप अटैच करेंगे तभी आपका अच्छा लगने वाला, ठीक है। तो मैं इस फोटो को लगा लेता हूँ, प्लस पर क्लिक करके इसको ऐड कर लेता हूँ। ये गाइस कुछ इस प्रकार से ऐड हो जाएगा। फिर आपको स्क्रॉल करना है और गाइस यहाँ पर आपको जो डबल बीट दिखाई दे रहा है सिंपली इस पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है और यहाँ पर आप जो भी फोटो लगाना चाहे आप लगा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम किसी फोटो को लगा लेते हैं, सिंपली हम इस फोटो को लगा लेते हैं और थर्ड पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका जो बीट है कुछ प्रकार से आपको कट कर देना होगा। सो गाइस यहाँ पर जो डबल बीट दिखाई दे रहा है इसके बीच के अंदर हमारा इफेक्ट लगेगा, तो बैक करके सेकंड इफेक्ट में आ जाते हैं। और यहाँ पर जो सेकंड इफेक्ट दिखाई दे रहा है सिंपली इस पर क्लिक कर लेंगे और कॉपी इफेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, आपका जो बीट मार्क इसको इजीली ओपन कर देना होगा। इनके इस पर इसमेशन के बाद जो आपका एलेंसमेंट दिखावा दे रहा है सिंपली इस इफेक्ट को यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। फिर आपका डेस्ट जो डबल बीट दिखा दे रहा है यहाँ पर हमारे इफेक्ट चेंज हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर फोटो पर क्लिक करेंगे और जो भी आप फोटो लगाना चाहे आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इस फोटो को ले लेता हूँ, थर्ड पर क्लिक इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट जो बीट है इस प्रकार से आपको इसको मिला के इसको कट कर देना होगा। सो गाइस ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा और यहाँ पर आपको जो एनिमेशन दिखाई दे रहा है ना सिंपली इस पर इफेक्ट लगाना है। तो बैक करके हम सही की इफेक्ट में आते हैं और यहाँ पर आपको जो सेकंड इफेक्ट बाद जो ये वाला इफेक्ट दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके हम कॉपी इफेक्ट कर लेंगे और आपका जो बीट मार्क इसको इजीली ओपन कर देना होगा, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर इस एनिमेशन के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ प्रकार से जो आपका डबल बीट दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस इफेक्ट को यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। एंड गाइस यही इफेक्ट के साथ आप यहाँ से लेकर के लास्ट बीच में आपको जो डबल बीट दिखाई दे रहा है आपको यहाँ तक ये अटैच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी आप फोटो लगाना चाहेंगे आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से क्लिक करने के बाद इसको आपको जो इफेक्ट है पेस्ट कर देना है, जो कि थर्ड वाला इफेक्ट है कुछ इस प्रकार से गाइस ये हो जाएगा। फिर आपको स्क्रॉल करके जाएंगे तो यहाँ पर आपको फिर से डबल बीट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सिंपल इस पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है और यहाँ पर आप जो भी फोटो लगाना चाहे आप लगा सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, फोटो लगा लेते हैं और आपका जो नेक्स्ट बीट है इस प्रकार से इसको मिला देते हैं, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से गाइस ये मिल जाएगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर एनिमेशन कौन सा लगेगा, तो बैक करके सेकंड फेड में आते हैं और गाइस यहाँ पर हमारा इस एनिमेशन के बाद जो छोटा वाला एनिमेशन दिखाई दे रहा है ये वाला सिंपल इस पर क्लिक करके कॉपी फेड कर लेंगे, ठीक है। और आपका जो बीट मार्क इसको ओपन कर देना होगा। सो गाइस इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको जो ये छोटा बीट दिखाई दे रहा है सिंपली इस पर क्लिक करना है, इस इफेक्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पर ये जो इफेक्ट है यहाँ से लेकर के लास्ट टाइप का जो डबल बीट आटा है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से यहाँ तक आपका ये ऐड होगा। इसके पहले जो आपका एनिमेशन दिखाई दे रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो हम इस पर फोटो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको क्लिक फिनिशिंग कर देंगे। नेक्स्ट जो बीट इस प्रकार से कट कर देंगे और इस इफेक्ट को यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। ये गाइस कुछ इस प्रकार से ये ऐड हो जाएगा। फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना और यहाँ पर आपको जो एनिमेशन दिखाई दे रहा है ओवरले वीडियो क्लिप वगैरह आपको यहाँ पर ऐड करना, सिंपली इस पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है और यहाँ पर गाइस आपको क्लिक कर देना, सॉरी आपको प्लस पर क्लिक करना, मीडिया पर जाना, नाम पर क्लिक कर देना, गैलरी का सारा फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो मैं गाइस ओवरले वीडियो क्लिप को ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पर मूवी टेस्ट पर जाने के बाद इसको इस प्रकार से हम घुमा देते हैं कुछ इस प्रकार से 90 डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसको हम फुल स्क्रीन कर देंगे कुछ इस प्रकार से। एंड गाइस स्क्रॉल करके आपको नीचे लाना है जहाँ पर हमारा वीडियो ओवरले लिखा हुआ है, ठीक है। तो गाइस हमारा ये कुछ इस प्रकार से एनिमेशन दिखाई दे रहा है, सिंपली यहाँ पर इसको हम ऐड कर दिए, ठीक है। अब गाइस इसके अंदर फोटो कौन सा लगाना है सिंपली इस पर क्लिक करना है, कलर पे क्लिक करना है, आपने जो भी अकाउंट रिमूव किया होगा वो फोटो आपको यहाँ पर अटैच करना होगा। तो मैं इस फोटो को अटैच करता हूँ, प्लस पे क्लिक करके इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है
आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही कमाल का लग रहा है। अब गाइस हमारा ऐड हो जाने के बाद सिंपली स्क्रॉल करके आगे जाना और यहाँ पर अभी आपको उसी फोटो को ऐड करना जो भी आपने ऐड किया था। सिंपली कलर पे क्लिक करेंगे और उसी फोटो को यहाँ पर हम अटैच कर देंगे। ये गाइस कुछ इस प्रकार से आपका ब्लिंक होते हुए नीचे जाएगा, ठीक है। फिर आपको स्क्रॉल करना है एंड प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पर जाना और यहाँ पर आपको इस प्रकार से जो भी फोटो आप लगाना चाहिए लगा सकते हैं। तो फोटो पर क्लिक करेंगे, थ्रेड पर क्लिक, इसको फुल स्क्रीन कर देंगे। हम गैस जो नेक्स्ट बीट इस प्रकार से हम इसको कट कर देंगे, ठीक है। अब गैस पर इफेक्ट कौन सा लगाना है तो बैक के जाना है, सेकंड फ्रेम में जो आपका लास्ट इफेक्ट दिखाई दे रहा है सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे, कॉपी इफेक्ट कर लेंगे और आपका जो बीट मार्क इजीली इसको ओपन कर देना है, ठीक है। गैस ओपन करने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल करके आपको आगे जाना होगा और यहाँ पर जो आपके एनिमेशन दिखाई दे रहा है इस एनिमेशन के बाद सिंपली इस पर क्लिक करके इस इफेक्ट को यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। अब गैस यहाँ से लेकर पूरा लास्ट तक आपको जो बीट दिखाई दे रहा है सभी जगह पर आपको इस इफेक्ट को ऐड करना है। एंड गैस वीडियो कम हो जाने के बाद आपको क्या करना होगा, सेटिंग बॉक्स पर क्लिक करना है, इसको बहुत अच्छे से अपने गली में सेव कर सकते हैं।